हेलो दोस्तों। सो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक कि जेमीटर को डॉकर और गिट हब से कैसे और गिट लैब से कैसे कनेक्ट करना है। जिन जिन को पता नहीं है जेमीटर क्या होता है, तो जेमीटर एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता है, एपीआई इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। डॉकर एक कंटेनर सिस्टम होता है जिनके अंदर जो है हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी के साथ। और गिट लैब जो है वो पाइपलाइन होती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए। तो इनका आप थोड़ा पढ़ लेना, बट जिनको जो एडवांस में जिनको पता है कैसे करना है उनको पता होगा कि इसको करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये अभी हमने सक्सेसफुली किया है, काफ़ी टाइम लगा हमें, काफ़ी दिन लगे। सो एटलीस्ट सॉरी, हम लोग देखेंगे कैसे करना है, तो हेल्पफुल रहेगा एटलीस्ट ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो जेमीटर डॉकर को गिट करने के कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि पहले जेमीटर को डॉकर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जेमीटर को डॉकर में इंस्टॉल करने के लिए, मतलब डॉकर एक डब्बा है, कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जेमीटर को रखना है हमें ताकि वो रन हो सके, क्योंकि डॉकर के अंदर सारा इन्वायरमेंट पाया जाता है, हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या होता है कि डॉकर के अंदर जेमीटर को रखना होता है। तो सब कुछ लोगों ने इमेज ऑलरेडी बना रखी है, डॉकर जो वो इमेजेस के ऊपर काम करता है, राइट, जिसको पता है। सो आप डॉकर में इस तरह से hub.docker.com पे लॉगिन करके आपको एक इमेज मिलती है जेमीटर की, जो कि जस्ट बिफोर करके एक बंदे ने डाली है, ये इमेज मिलती है आपको डायरेक्टली वहाँ से। तो आपको कुछ करना नहीं, उसके बाजू में कमांड लिखी होती है डॉकर पुल जेमीटर। तो ये कमांड को आपको क्या, अपने लोकल सिस्टम में टर्मिनल जो होता है उस टर्मिनल के अंदर ये आपको रन करनी है ये कमांड, राइट। तो जैसे ही ये मैंने ऑलरेडी कर रखी है इसलिए मैं करूँगा नहीं, ये जैसे आप रन करोगे तो क्या होगा कि सारी जेमीटर की इमेज जो है वो डॉकर का फोल्डर जो है वो आपके पास आ जाएगा। वो फोल्डर किस तरह का होगा वो बता दूंगा, वो इस तरह का फोल्डर डॉकर जेमीटर का आपके पास आ जाएगा इसमें। सो वो डॉकर जेमीटर का फोल्डर आने के बाद आप क्या करेंगे कि इसके अंदर देखेंगे तो आपको, सॉरी सॉरी मेरा थोड़ा हेल्थ, तो आपको यहाँ मिल जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सब डॉकर फाइल। ये डॉकर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर देखो जीएमीटर का ये कोड पूरा पूरा लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ये रखना है इस फोल्डर के अंदर, और ये हमारा जो है जीएमीटर एक तरह से डॉकर के अंदर हमें मिल गया। और इसको रन करने के लिए जो फाइल होती है वो test.sh होती है। तो इस test.sh फाइल को आप कमांड लाइन के थ्रू आके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ना, test.slash/test.sh, राइट। उस फोल्डर के अंदर जाना है जो डायरेक्टरी है, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है और वहाँ से आपको ये test.sh आप रन करोगे ना तो ये रन होगी और आपको जेमीटर जो भी स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर, जैसे अभी स्क्रिप्ट मैंने क्या, कौन सी स्क्रिप्ट रखी थी इस फोल्डर के अंदर, मैंने टेस्ट प्लान एक्स JMX ये सारी मैंने रख रखी, और इस फोल्डर के अंदर भी मैंने यहाँ पर रख रखी है। तो फोल्डर के अंदर जो है आपको ये टेस्ट प्लान के अंदर जो JMX फाइल है, ये आपको JMX फाइल जो है इसके थ्रू आपको वो ये वाली स्क्रिप्ट मतलब रन होगी। जब भी आप डॉकर फाइल को रन करोगे तो आपको दिखाता हूँ इस फाइल के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो देखो ये testplan.jmx फाइल को जाके सर्च करेगा और उसको ये रन करेगा। तो आप दूसरी फाइल अगर रखते हैं तो उसकी जगह आपको ये जाके नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसको रन करके रिपोर्ट दे देता है, लेकिन ये लोकली रन कर रहा है अभी। तो अब चैलेंज जो मेन आता है वो ये आता है कि इसको गिट के अंदर कैसे रखें। मतलब हमारा सीनरियो ऐसा है कि हमें जब भी कोई डेवलपर डिप्लॉयमेंट करता है उसके बाद जो है हमारा रन हो जाए ऑटोमेटिकली, हमारा जो CI/CD पाइपलाइन के अंदर रन हो, और उसके रन होने के बाद वो डॉकर रन हो और डॉकर के अंदर जेमीटर ऑटोमेटिकली रन हो जाए, तो हमारा कोई हेडेक नहीं हर बार कि यार डिप्लॉयमेंट हुआ और फिर से टेस्ट करने जाए। तो ये दिस इज़ अ ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट। सो वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब बारी आती है, ये तो अभी तक डॉकर जेमीटर के अंदर रन हो गया, मतलब जेमीटर डॉकर के अंदर रन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि अब हमें गिट के साथ कनेक्ट करना है। तो गिट के साथ कनेक्ट करना है तो पहले ये जो डॉकर जेमीटर का फोल्डर आया है इसको पूरा पूरा गिट पे ले चलो, इसको पूरा। ये मैंने फाइल के कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाए हैं, इसके लिंक भी मैं दूंगा आपको, जहाँ पे ये सब डिटेल मिल जाएगी आपको, राइट, test.sh की और सारी। अब आता है कि इस फोल्डर को हम गिट के ऊपर ले जाओ। पहले जिनको गिट थोड़ा बहुत पता है तो कमिट पुश करके आपको ये फोल्डर पूरा पूरा गिट की अपनी जिस ब्रांच पे रन करना है वहाँ ले जाना है। वहाँ पे रखने के बाद आपको ऐसा कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपको लोकल में दिख रहा था वो वहाँ पर दिखना चाहिए कि ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। वो फोल्डर स्ट्रक्चर वहाँ दिखने के लग जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि जेमीटर और डॉकर दोनों कनेक्ट हो गए और उनको गिट में रख दिया हमने।
इन दोनों को गिट में रख दिया, लेकिन रख दिया लेकिन अब गिट को कैसे पता चलेगा कि यार मेरे को एक स्क्रिप्ट के बाद इसको रन करना है, डिप्लॉयमेंट के बाद मेरे को रन करना है, राइट? तो कनेक्शन करने के लिए भी हमें कुछ कमांड्स देनी होगी, तो वो कमांड्स हम कहाँ देंगे? वो कमांड्स हमें देनी होगी गिट के अंदर, एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं गिट लैब सी आई, गिट लैब सी आई यामल, यामल फाइल YAML फॉर्मेट में होती है। इस यामल फाइल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करने में हमें बहुत रिसर्च लगी है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की जो स्क्रिप्ट है, ये वाली स्क्रिप्ट जो है आपको लिखना होगी उसके अंदर, जे गिट यामल फाइल के अंदर। तो ये जब आप यामल फाइल के अंदर लिखोगे तो और सेव करोगे या कमिट करोगे, या लोकल में आप ले के भी रन कर सकते हो, लोकल में आप अपनी रिपोजिटरी को लोकल में लो और उस लोकल में आप ये कोड अपडेट करो और इसको पुश करोगे, तो अपने आप गिट पाइपलाइन चलने लगेगी। तो गिट पाइपलाइन जैसे ही चलेगी उसमें ऑटोमेटिकली आपका जीएमीटर की ये रन हो जाएगा और सक्सेस देने लग जाएगा और ये रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा, हमने ऐसा कोड लिखा है कि जिप फाइल में कन्वर्ट कर दे उसको। तो इस कोड के थ्रू सिंपली आप जो है जिप रिपोर्ट ले सकते हो और इन जिप के अंदर जो है एचटीएमएल रिपोर्ट होगी, सो वो एचटीएमएल रिपोर्ट जो है वो आपको पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर दे देगी और आपको सारी एपीआई या जो भी आप रन करोगे वो जीएमीटर के थ्रू रन होके वो आपको एचटीएमएल रिपोर्ट में आपको जनरेट करके दे देगी। तो वो HTML रिपोर्ट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो कैसी दिखेगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, वो इस तरह की HTML रिपोर्ट आपको जनरेट करके एक फोल्डर में रख देगा, इतनी सारी APIs हमने टेस्ट की है, क्या क्या एरर आई है, वो सारी इस डॉकर इमेज के अंदर, जीमीटर की इमेज के अंदर लिखा हुआ है। तो है ना ईजी, बट चैलेंजिंग पोर्सन ये गिट वाला था जो हमने यहाँ से कम्प्लीट किया है, गिट वाला। तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपनी साइट पर भी डाल दूंगा, तो आप इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही पाइपलाइन रन होगी आपका जीएमीटर और उसके अंदर की स्क्रिप्ट पूरी डॉकर के थ्रू गिट लैब जो है वो रन कर देगा। सो होप इट विल बी हेल्पफुल, आप करके देखना, कोई एरर आए तो आप कमेंट्स में पूछना, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।